काफी मजे को और पीछे जो है ना वो तीन तीन ब्राइड है भाई, हम तो एक ब्राइड के पास आए थे। दिस इज फॉर यू मोबाइल, इसमें दो से मैं डरती हूं। ओए ये कहां से आया मोबाइल? अभी आ जाएगा। चुई आ लग गया भाई, लग गया। अस्सलाम वालेकुम, तो वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आज मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि फासिल चला गया अपनी नानी के घर। हम लोगों को जाना था नवाब साहब के ब्राइडल शावर में। ये नवाब साहब अभी तक सो रहे हैं। आज आपने 5 बजे रेडी हो कि मुझे लेने आना है लाजमी। अब मैं जा रही हूँ और आपने उठना है जल्दी फटाफट। आपके कपड़े मैंने रख दिए, इस्त्री हो गए और पहन के आ जाएगा। दरअसल मैं जा रही हूँ पार्लर और वहाँ से रेडी होंगी, फिर हम जाएंगे, माज मुझे लेने आएंगे, फिर हम जाएंगे। तो भाई उठ गया हूँ भाई मैं, और आप लोग को पता तो चल ही गया होगा कि यार बासिल जो अपनी नानी के जा चुका है और सबा जो है वो पार्लर गई। आज है भाई मेरे दोस्त की, लाइक जो दुल्हन है वो भी मेरी ही दोस्त है और जो दूल्हा है वो भी मेरा दोस्त है, काफी टाइम पुराने दोस्त है हम लोग। तो आज जो है वो ब्राइडल शावर है तो उसपे इनवाइट हमें भी आया। वैसे तो वो लड़कियों का कर रहे थे बट अब उन्होंने लड़के भी ऐड कर दिए। आज के हमारे कपड़े कुछ यू होंगे कि भाई ब्लैक शर्ट होगी, उसके ऊपर व्हाइट स्वेटर होगा, ये आ गई पैंट। सो आपका भाई जो है ना आज ब्लैक एंड व्हाइट बन के जाएगा। तो नहीं है घर पे तो मुझे आज अपनी प्यारी मॉम के हाथ का खाना मिलेगा। आए हाय 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 हाय, क्या बनाया भाई? चाय बना दी थी और एग बॉइल कर दिए मैंने पहले से। अच्छा वो एटीट्यूड बॉय, क्या हुआ? माशाल्लाह तुम तो मुझसे जल्दी उठ गए यार, ग्रेट मैन यार। वो टमाटर से सो रहा है, तेरी खैर। कोई परवाह नहीं, तुम्हारा निशाना खराब लगा है, सर पे लगता ना तो फिर उठता। मम्मा गुस्सा करेंगी, अरे तुम तकिए वहाँ फेंक रहे हो ना, बेकार तुम्हारा निशाना बेकार। नाश्ता जो आ चुका है भाई, तमाम कुछ बताने लगी है मुझे। हाँ मैं ये बताने लगी थी कि बासिल ने ना आज उल्टी करी। हाँ सही हुआ, क्योंकि वो ना वो उल्टी हो रही थी ना, उसको मोशन हो रहे थे कि हमने इसको खिलाए सब बने का, इसको नानी के घर जाना है। मैंने क्या करा जल्दी से, बस फौरन ही 5 मिनट का भी गैप नहीं था कि जैसे इसको खिलाया उसने पूरा बाहर निकाल दिया। मतलब अच्छा हुआ ये बुरा हुआ? सही हुआ, अच्छा होता उल्टी। हाँ सही हो गया। और वैसे मैंने आज को डॉक्टर करके जाना था, रोज ही जाना है, उसको एम्बुलेंस करवा रहा हूँ। सो गाइस मैं कब से रेडी हो गई हूँ और मास अभी तक नहीं आया, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं 2 बजे से आ गई हूँ और अभी 5:30 हो रहे हैं, थक गई मैं बहुत ज्यादा। 1 2 3 हीरो आ गया है। मैं बता टमाटर कैसा लग रहा हूँ, न्यू ड्रेसिंग की है पहली बार आज। अबे क्या स्कूल का स्वेटर पहन लिया? अबे मैं जा रहा हूँ ग्रूम शावर में। ग्रूम शावर भी होता है ना, क्योंकि वहाँ दूल्हा भी तो होगा ना, लड़कियों अलग होंगे लड़के अलग होंगे। और मुझे तो अभी तक इसका मतलब ही नहीं पता कि ब्राइडल शावर क्या होता है, कभी हमने तो किया ही नहीं अपने घर में। अबे मैंने तो लड़के को भी पहली बार देखा करते हुए। क्या करें भाई, जाना पड़ता है, दोस्त वोस्त है, जो भी करें यार। तमाम बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। किया कॉल आ रही है सब की मेरे पास। आ रहा हूँ सॉरी। मेरा कमरा घेर लिया तूने, चल घेर के रख, जब तक हमने आया तेरा कमरा ये। फटाफट से परफ्यूम लगा लेते हैं, हैं? अबे सिर्फ पढ़ने, चल इधर से तेरे को जो मिल जाए वो ले लियो बस, इससे ज्यादा यहाँ से नहीं खुलता ये और नहीं खुलता। okay. ये ले, ये जूस पकड़ तू, एक जूस आ गया और जेली मेली खानी तो ये भी खा लियो। ठीक है, तो फिर हमने रूम के साथ साथ अपनी चीजें भी दे दी है। परफ्यूम हम लगा लेते हैं भाई अपना M1। मेरे पास काफी ओल्डर वर्जन है ये, पिछले 1.5 साल वाला, तो इसकी स्मेल जो है ना और इनहेंस हो गई। क्या खुशबू है भाई, पूरे कमरे में खुशबू हो गई। गाड़ी, अरे गाड़ी तो मेरी ये खड़ी भी। पापा भी आ गए, कौन पापा? मैच खेलने? मैच नहीं, मैच मैच कहाँ खेलने जा रहा हूँ। अच्छा पता सही लग रहा है, पहली बार ड्रेसिंग ये ना याली। मैं जा रहा हूँ ब्राइडल शावर और ग्रूम शावर में। तुम ग्रूम शावर में जा रहे हो? हाँ मैं ग्रूम शावर में जा रहा हूँ। आपके भाई ने ना भाई गाड़ी के लिए एक बंदा रख लिया जो गाड़ी को साफ सुथरा रखता है, देखो क्या चमक धमक हो रही है भाई गाड़ी पे। चलो जी, सबको काफी ज्यादा वेट करवा लिया हमने, बार बार मुझे कॉल कर रही है, बोलता हूँ अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ अभी आ रहा हूँ, सुनने को तो मिलेगी गाइस। तो भाई पहुंच गए पॉलर के बाहर और सभा की 500 कॉले आ गई कि जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ, ट्रैफिक इतना था क्या करें भाई, सुननी पड़ेगी थोड़ी सी। आइए जी टीम ब्राइड, टीम ग्रूम। टीम ग्रूम में तो मैं हूँ, मैं भी टीम ग्रूम ही हूँ। अरे मेरे भाई की शादी ब्राइड में कौन है फिर? तुम ब्राइड बन जाओ ना, दुल्हन की साइड बन जाओ ना। लेट्स गो भाई, चलते हैं अब डायरेक्ट लोकेशन पर। भाई पहुंच गए हैं हम लोग लोकेशन पर और अभी लिफ्ट में जा रहे हैं ऊपर, आ गए हैं ऊपर। और ऊपर तो सेटअप काफी मजे का, और पीछे जो है ना वो तीन तीन ब्राइड है भाई, हम तो एक ब्राइड के पास आए थे लेकिन अब तीन ब्राइड आ गई, अब हम क्या कर सकते हैं। एक सबा है, एक हफ्सा है, एक रबीका है। आप में से कोई बताएगा मुझे कि ब्राइडल शावर क्या होता है ये? इसमें लड़कों को बुलाना जरूरी होता है? शावर होता है लेकिन हमारे पास लोग, हमने बोला
इनके पास लोगों की कमी पड़ गई थी तो इन्होंने हम लोग को बुला लिया यार। भाई मैं तो यहीं बैठ जाता हूँ भाई, क्योंकि मेरे जो दोस्त ने अभी तक नहीं आया। तुम तीनों ऐसे शूट करवा रहे, तुम तीनों ही ब्राइड हो भाई। वो नई ब्राइड वो है, तुम लोग क्यों खड़े हो उसके साथ? मेरे भी अरमान ताजे हो गए। ओ ओ क्या सनसेट हो रहा है पीछे। मैं बैठ बैठ थक गया हूँ यार, दोस्त ही नहीं आ रहे मेरे, मैं क्या करूँ। गाइस चोचले देखो आप लोग, गाइस कितने चोचले हैं भाई। लड़कियों की पिक्चर्स और वीडियोस खत्म ही नहीं होती। फाइनली मेरा फ्रेंड आ चुका है। अरे यार वेट करके के थक गया मैं तो सोने लगा था यार। अभी मैं बात कर रहा था हुसैन और लारिफ से वीडियो कॉल पे, वो लोग तो अभी तारिक रोड पे निकलेंगे, हुसैन के शूज आ रहे हैं कहीं से। ओ माय गॉड, टीचर का झूला रहता है अभी। लो भाई मतलब दो जोड़े आ गए हैं, अभी एक जोड़ा रहता है। दिस इज फॉर यू मोबाइल, इसमें 2 सिम लगती है। ये कौन सा है मोबाइल? अच्छा इसमें नेट चलता है? नहीं सिर्फ सिम से कॉल पे बात करते। कहाँ से मंगवाया यार? ये मैं नहीं, लिंक नहीं दे सकती। गिफ्ट अच्छा है, पता तुझे गिफ्ट कर दूँ मैं? शादी भी तुझे गिफ्ट कर देंगे? अरे काम करो ना, चोर लेके भी नहीं जा सकता इसको, यूं रख सकते हैं आराम से। हाँ बासिल को हमने कॉल मिलाई है अभी, बोलो जादू वादू करो, मैजिक करो भाई, ठीक करो। अम्मी कह रही माशाल्लाह देखना, जब लेके जाओगे ना फिट एंड फाइन जाएगा। दुल्हन का शूट हो रहा है, मास्क क्या कर देख रहे हैं, जिस तरसी निगाहों से देख रहे हैं ये चाह रहे हैं इनकी फिर से कराई जाए। पहले यहाँ पर शूट हो रहा था, अब यहाँ शूट हो रहा है। हम लोग बस देख रहे हैं। आ जाइए भाई आ जाइए, बड़ी जल्दी आए हैं भाई, बड़ी जल्दी। क्या करें भाई, ये है ना मेरे साथ एक अजीब सा, उसकी वजह से लेट आया। वाइफ किधर है आपकी भाई? घर पे मुल्तान। रोना शुरू कर दो, अभी रोना शुरू कर दो तुम। मेरे घर में ही बर्थडे। थरी आए हुए, थरी कौन है भाजन? ये कौन आ गया है? ये प्रॉप, आप जो प्रॉप उठाएंगे आप वैसे हो जाएंगे। अभी सही बता, ये बन के दिखाओ ना, ये बन के दिखाओ, क्यूटी बन के दिखाओ। डिसेंट लुक, हु इज 21? तो भाई यहाँ पर काफी ज्यादा प्रॉप्स पड़े हुए भाई। बुला जो है 21 का है तो वो यही पकड़ेगा, 21 वाला। ये चश्मा अच्छा है भाई, लेकिन ये 21 का है, ये शहीर के लिए है, ये हम तो 23 के हो गए भाई। सारे शूट्स हो गए भाई डन, और अब जो है ना जस्ट केक बचा है, उसके बाद बचा है खाना। तो आपके भाई को जो है ना काफी ज्यादा भूख लग गई, नाश्ता किया हुआ सिर्फ, और रात हो गई है भाई। डिनर का टाइम आपके भाई का शुरू हो चुका है, क्योंकि 8 बजे तक मैं डिनर कर लेता हूँ, और अभी 7:30 हो रहे हैं, तो आधा घंटा बचा है बस। फटाफट से केक कट करते हैं भाई। केक किधर है ब्राइड? गाइस मुझे एक प्रॉब मिला है, ये लोग अभी तक केक नहीं लाए, बताओ किधर है? दुकान वाले के पास है ना। अरे तो इधर नहीं आएगा केक क्या? अरे तो दुकान वाला आएगा तो लाएगा, फिर हम खाएंगे फिर जाएंगे। यार लारे मुझे लग रहा है ये लोग फ्राइज खिला के ना हमारा पेट भर देंगे सारा। ये इनकी तीसरी प्लेट है, हाँ ना केक मंगा रहे हैं ना खाना खिला रहे हैं, अभी इससे ही पेट भर लेते हैं। फाइनली भाई खाना जो है वो आ चुका है, और खुशी की इंतहा है जो ना वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बोला है कि भाई केक जो है ना वो बाद में कट करेंगे, फर्स्ट खाना। तो यस हमारा खाना जो है टाइम पे हो जाएगा यार। खाते अभी खाने में क्या क्या है? तो भाई खाने में है ये कुछ अफगानी पुलाव टाइप, और ये आ गई है भाई कढ़ाई, और ये आ गया है, ओ भाई ये क्या आ गया है, रोज। ओए याद है हमने कोयटा में खाया था, के बाद से मैं अब खा रहा हूँ। हम कितने साल पहले गए थे कोयटा? 2021 में। और यहाँ पर है भाई राइस, ये आ गए फ्राइड राइस, और ये आ गए उसके साथ चिकन शाशलिक। तो फटाफट से खाते हैं यार खाना। फाइनली केक इज हियर, ग्रूम टू बी। अरे ब्राइड टू बी कहाँ गए यार? ब्राइड टू बी नहीं दिख रहा, ब्राइड टू बी लिखना भूल गए, बट ब्राइड टू बी है। ये लिखा हुआ, ये लिखा ब्राइड टू बी। तो अभी भाई केक कटिंग की बारी। ये क्या हो रहा है? अनर्थ। हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहा है। हैप्पी टू ग्रूम बी, हैप्पी ग्रूम टू बी। क्या हो रहा है वो भाई, क्या कर रहे? अरे वो जल के खत्म हो गया है। काफी ज्यादा जो है ना मजा आया यार, पुराने दोस्तों के साथ मिलके ना बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट करने को मिलती है, पुरानी पुरानी यादें और पुरानी पुरानी बातें जो है ना हम लोग करते हैं। गाड़ी 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 गाड़ी, अरे तो लगना जाए भाई, लग रही है। तो सो गाइस निकल पड़े हैं घर के लिए, और अभी सबा से पूछ रहे थे कि भाई पहले घर जाएं या बासिल को लेने जाएं। पहले घर चलते हैं, फ्रेश होके फिर चलते हैं बासिल को। तो ठीक है भाई पहले चलते हैं घर। पहुंच गए भाई घर, खोलो। अबे टिकिया खा लो भाई, टिकिया खाते हैं। पहले ये बता तूने अभी तक दराज खाली तो नहीं कर दी गई मेरी पूरी? नहीं थोड़ा सा, पूरी दराज खा गई? नहीं थोड़ा सा खाया। देखूं अभी क्या सारी चीजें तो नहीं खाली गई? नहीं 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 नहीं, गुड यार गुड। क्या बन रहा है, क्या बन रहा है? टिकिया बन रही है घर में, दिल चाह रहा था मेरा बस। वाह मॉम, टाइम से मैंने भी टिकिया नहीं खाई यार। देखो कितनी मजे की बनी, मजे की क्या खस्ता खस्ता बनाई है। वाह यार बड़ी मजे की बनाई है मॉम ने तो यार टिकिया। हो क्या गए तुम लोग? दावत सो क्या गए? हाँ हो क्या गए? हाँ हाँ तो कब आएंगे क्या, तुम्हें क्या लगता है? मैं समझ रहा था अभी शुरू होगी। अब मैं सोच रही थी कि ब्राइडल शाम में आपका क्या काम है? अबे मैं ग्रूम टू बी में गया था भाई। सारे जो ना पार्टी कर रहे हैं टिकिया की, हमारे घर पे जो
कुछ नया बंदा ना तो पार्टी फॉर्म शुरू हो जाती है, सब एक जगह आ जाते हैं। तो भाई निकल चुके हैं भाई वापसी, और वापसी हम जा रहे हैं बासिल को लेने। तो यस, तो सबा ने जो चेंज कर लिया, मैंने नहीं किया क्योंकि मेरा सूट जो है ना वो ओके आपका कंफर्टेबल था, मेरा नहीं था ना, मैं बासिल को गोद में कैसे बैठाती। अस्सलाम वालेकुम बाबा का मुन्ना। पापा सुबह से नहीं मिले अपने मुन्ने से भाई, क्या कर दो, किसने किसने कुछ कहा मेरे मुन्ने को, जल्दी बता दो भाई। मेरा टॉपिक उतार दी भाई, भाई क्या किया पूरे दिन इसने, चाय और बिस्किट। तो फटाफट से चाय पीते, कुछ शाम में लोग चाय पीते हैं, कुछ सुबह पीते हैं, हम कई बार रात को भी पीते हैं जब ससुराल जाते हैं तो रात को भी चाय। सुबह नीचे पहुंच चुके हैं और बासिल ने जो है इसमें बहुत ज्यादा कांड करे, बहुत ज्यादा उल्टी हो रही है और आपके पूरे पूरा मेरे कपड़े जो है ना मेरे पूरे इसने कपड़े पे सारा दूध जो ऊपर पिया था ना सब निकाल दिया फिलहाल इसने भी। तो अब जो है यहाँ से डायरेक्ट घर नहीं जाते, फंस जाते हैं डॉक्टर के यहाँ। पहुँच गए डॉक्टर के यहाँ और डॉक्टर को दिखाने के लिए कम से कम 20 मिनट्स वेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर इमरजेंसी में एक ही डॉक्टर है जो देख रहा है। ज्यादा जो है ना निडाल हो चुका है इस टाइम पे क्योंकि इसने सुबह से 4-5 उल्टियाँ कर दी हैं। सबा की मदर भी बता रही थी कि तुम लोग नहीं थे तो तब भी इसने 3 उल्टियाँ की हैं 2 उल्टियाँ की। आज पूरे दिन ना इसको वॉमिट हो रही है पूरे दिन, क्योंकि वॉमिट से जितने भी अंदर की बलगम वगैरह होता है ना वो भी बाहर आ जाता है। पापा को बुला लो, आप पापा के साथ ही खुश रहेगा ना। पापा को बोल दो जब तक डॉक्टर का वेट भी कर लेंगे हम। ठीक चलें सही है, इंजेक्शन हम लगा देते हैं और नेबुलाइज आप करते रहे ज़ायरेटिक मैंने 10 दिन तक। दादा भी हॉस्पिटल में आ गए और डमाडस तू भी आ गया, चल आजा इंजेक्शन लेकर आया, इसको इंजेक्शन लगेगा, आजा आजा लगेगा। हाँ बे वॉमिट का लगेगा ना, अबे पूरे दिन इसने 7 उल्टियां कर दी हैं बे। तो भाई ले लिया इंजेक्शन, अरे अंदर आ जाओ चलो भाई, लगेगा रोएगा ही। हाँ रोएगा तो आज आप भी आ जाएगा। इसको लग गया भाई, लग गया, बस 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 लग गया, लग गया भाई, लग गया, लग गया। जल्दी जल्दी सारे हट जाओ भाई, जल्दी फटाफट हटो, फटाफट हटो। बासिल ने रोने धोने डाल दिया था तो हम बासिल के लिए ना हटो कर रहे हैं फटाफट। और गाइस जो हम जो है ना अभी हम जो है ना वो खोज पे निकले हैं ओले की, रात के 12 बज रहे हैं और हमें देख रहे हैं कहीं ओले मिल जाए हमें, क्योंकि ओले जो है ना घर पे खत्म हो चुके हैं। तो ओले की पार्टी भी तो करनी है फिर रात में यार। बासिल एक मिनट, फिर याद आ गया इंजेक्शन, ओ मिल गए, ओ मिल गए। गाइस ओले तो हमें मिल गए हैं भाई और रात के 12:30 हो रहे हैं और जनाब जो है वो 1000 रुपए के बेच रहे हैं हमें, खाने नहीं खाने बता दो 1000 रुपए के। अबे अभी मैं 700 रुपए के लेकर आया हूँ उस दिन, टमाटर मैं तो नहीं ले रहा है। नहीं, नहीं, ये नहीं, लो, नहीं, जब बंदे को जब बेच रहे हैं तो फिर क्या फायदा, एक ठेला मिला है और एक ठेले पे कम से कम 1000 रुपए किलो, ऐसे 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 लेने कोई फायदा नहीं है यार। फ्रूट इतना महंगा किया हुआ है, सब्जियां इतनी महंगी की हुई है, इससे अच्छा खाओ भी हो नहीं भाई, नहीं खाओ भी ऐसे ही मर जाएंगे भाई। सही बात है, और क्या, अभी दिल कर रहा है कुछ खाने पीने का। अब 1000 रुपए का एक नॉर्मल बंदा लेगा, नहीं लेगा यार, तो इसलिए मैं भी नहीं ले रहा हूँ। मुझे नहीं दिखाना व्लॉग में कि मैं ओले खा रहा हूँ, नहीं खा रहा, इतना महंगा कौन खाए, फजूल की महंगी, इतने महंगे ओले 1000 रुपए किलो ओले, क्या हो गया 700 रुपए के ओले तो। अरे 700 रुपए भी महंगे दे रहे थे, अभी 1000 रुपए के दे रहे भाई। भाईजान सही क्या कर देंगे, मैंने कल परसों लिया 700 रुपए का यार, अरे यार ये कैसे एक दिन में कैसे महंगा हो सकता है, एक दिन में मैंने कल लिया 700 रुपए का, नहीं ले रहे गाइस, नहीं ले रहे। आगे पूछा, आगे क्या पूछा, मैंने सुना था रात में सारे फ्रूट सस्ते हो जाते हैं, अरे रात के 1 बजे भी इनको मतलब बेचना ही नहीं है भाई। ओ भाई साहब रोज वाइज जा रही है भाई और फुल खड्डों में जा रही है, रोज राजी बोल रही होगी कि मैं कहाँ पर आ गई हूँ भाई, इतने खड्डों में कहाँ मुझे फंसा दिया। ये देखो भाई इतने खड्डे हैं कि हमारी गाड़ी भी डगाक ढोक डगाक ढोक हो ही जा रही है। पहुँच गए, आएगा नहीं गुड्डा मेरे पास, नहीं आएगा, कहाँ गया था ये, इंजेक्शन लगा के आया, इंजेक्शन लगवा कर आया, क्यों बनने नहीं आता है भैया के पास ना, बड़ी जिद करके आता है। तो इस व्लॉग को इधर से एंड करते हूं, आपको पसंद आएगा व्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर दो। मॉम आपको शौक लगाऊं, गुस्सा दिलवाऊं आपको, क्योंकि मुझे तो गुस्सा आ रहा है। किस बात पे आपको गुस्सा दिलवा दूं, किस चीज पे, अभी हम गए थे ओले लेने, 1000 रुपए किलो मिल रहे हैं, 1000 रुपए क्यों, क्या रात में महंगे हो जाते हैं ओले, मैं तो आग बगुला हो रहा हूं अंदर से यार ये सुनकर, क्या चल रहा है, कहीं और से क्या, सब दो ठेले पे पूछे दोनों 1000 रुपए दे रहे हैं भाई, क्या करें, मैंने बोला मैं ले ही नहीं रहा, मतलब फिर अच्छी बात नहीं है ना कि यार ले तो मैं सकता हूँ लेकिन फायदा नहीं है भाई, कि सिर्फ मैं खा रहा हूँ, मैं ब्लॉग में दिखा रहा हूँ और दूसरे ना ले पाए कोई भी चीज, तो वो चीज मैं बहुत ही कम यूज करता हूँ, जो चीज मैं लूँ वो चीज लाइक मुझे देख रहे वो लोग कर सकें, तो इसलिए मैं इतनी शॉप वगैरह भी कम करता हूँ, इसलिए ही कम करता हूँ। तो भाई अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, ख्याल रखो, खुश रहो, थैंक यू, सब्सक्राइब मस्त कर दो, लाइक मस्त कर दो, टेक केयर।